प्याज के पराठे की तैयारी की जा रही है। देखिए इधर हरी मिर्च और प्याज, थोड़ा सा लहसुन भी उसमें स्वाद के लिए डाला जा रहा है। अगर किसी को लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन मत डालिएगा और हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया डालिएगा। देखिए वो मसाला तैयार बना रखा हुआ है वहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये इसका पूरा प्याज के पराठे का मसाला तैयार है। देखिए और अब ये प्याज के पराठे तैयार होंगे तो मैं आपको फिर दिखाती हूँ प्याज के पराठे किस तरह बनाते हैं। सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो, जो कि बिल्कुल इसके बाद ही आएगा, साथ ही साथ आएगा, एक दिन में ही। हाँ ये देखिए ये पराठे में इस तरीके से इस मसाले को सारा भर दीजिए और इसको इस तरीके से लपेट दीजिएगा। जिस तरह से हम लोग कचौड़ियों को भर के लपेटते हैं ना, उसी तरीके से पराठे को आप लपेट दीजिएगा और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के उसको बेल दीजिए। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेला जाता है, नहीं तो इसमें जो प्याज है उसकी वजह से पराठा फट जाता है। तो बिल्कुल आराम से थोड़ा हल्के हाथ से इसको बेलिए और ये पराठा इस तरीके से आपका सिकने के लिए डाल दीजिएगा। ये भरे प्याज का पराठा कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में उतना स्वादिष्ट भी है। इसको पलट दिया, आँच इसकी जरूर देख लीजिएगा, एक समतल इसकी आँच होनी चाहिए, ना ज्यादा कम ना ज्यादा मीडियम पे। अब आप लोग भी इस तरीके से बनाइए और खाइए भरे प्याज के पराठे को। और अब इसमें ये ऑयल लगा रहे हैं, देखिए ये ऑयल इसमें अच्छे से, ये मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी लगा सकते हैं, रिफाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर रही हूँ। ये इस तरीके से इसको सेक लीजिएगा। ये देखिए साथ में गरम गरम भिंडियाँ भी तैयार हो गई हैं। भिंडी की रेसिपी भी मैं आपको एक दिन डाल के दिखाऊंगी। इस तरीके से प्याज की भून के बढ़िया भिंडियाँ बनाइएगा। देखिए इन भिंडियों को मैंने प्याज, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन और मेथी दाना हींग के साथ छौंका हुआ है। ये देखिए सखियों सहेलियों, मैं इन वीडियो को भी आपको बना के नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी देखिए आप, ये हमारा गर्मा गर्म पराठा तैयार हो गया है। आइए इस लजीज पराठे को मिलके खाइए और बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। देखिए कितना कुरकुरा और क्रिस्पी पराठा है। आप भी बनाइए और स्वाद का आनंद उठाइए।